नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। हम पर्लो शासनकालीन जो शुरुआती दशक के जो शासक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि पर्लोकालीन जो प्रथम शासक थे वो कौन कौन थे। तो आइए हम शुरू करते हैं पल्लो शासनकालीन राजनीतिक इतिहास। शिव स्कंद वर्मन प्राथमिक पल्लव वंशी नृप तिगड़ों में शिव स्कंद वर्मन के विषय में संयोगवश कुछ सूचनाएँ अब उपलब्ध हो सकी हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के परिणामस्वरूप इस नरेश के कुल 3 सुरक्षित अभिलेखों में उसके क्रमशः युवराज, राजा बनने, अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेध आदि यज्ञों का कर्ता बताया गया है। इन लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि वह एक शक्तिशाली महान एवं वैदिक ब्राह्मण धर्मावली राजा था। शिव स्कंद वर्मन तथा 4थी सदी में काशी राज्य के नृपति विष्णु गोप के बीच शासन करने वाले पल्लव राजाओं के विषय में स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं हो सकती। प्राग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय अभियान के समय काशी में पल्लव नरेश विष्णुगोप शासन कर रहा था। विष्णुगुप्त ने संभवतः अपने पड़ोसी राजाओं का एक संयुक्त मोर्चा बनाकर सम्राट समुद्रगुप्त से लोहा लिया था, परंतु महापक्रामी समुद्रगुप्त से अतः उसे पराजित होना पड़ा। पल्लव दानपत्रों में विष्णुगुप्त के परवर्ती नृपतियों में सिंह वर्मन नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है जो बौद्ध धर्मावली था तथा जिसने 934 ईस्वी में लगभग काची के राज सिंहासन को सुघोषित किया। सिंह विष्णु लगभग 575 ईस्वी में पल्लव राजवंश में सिंह विष्णु पवनी सिंह राजद्रोहण की सूचना उपलब्ध होती है। वह एक शक्तिशाली एवं विद्यानुरागी राजा था। उसके दरबार में संस्कृत के महान कवि भरावी रहते थे। सिंह विष्णु कलानुरागी था, वैष्णव धर्म में उसकी गहरी आस्था थी। ममलपुर के आदिबीरा गुहा मंदिर में उसकी एक प्रतिमा अंकित है जिसमें उसकी 2 रानियों को भी प्रदर्शित किया गया है। संभवतः इस वैष्णव मंदिर को उसी ने बनवाया था। उसने अपने पराक्रम से संपूर्ण चोल मंडल को जीत कर कावेरी तक अपना राज्य विस्तृत कर लिया था। अवनी सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने लगभग 575 से 600 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम राज सिंहासन पर बैठा। आइए बात करते हैं पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में जिसका सिंह विष्णु के उपरांत उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव शासक हुआ। अपने पिता से प्राप्त छोटे से पल्लव राज्य को उसने अपनी कूटनीति क्षमता तथा सैन्य शक्ति के बल पर एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसने पल्लव राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। वह उसकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा की तुष्टि के लिए संतोषजनक नहीं था। उसके समकालीन साम्राज्यवादी प्रमुख शक्तियों यथा उत्तर पश्चिम में वतापी के चालुक्य तथा दूर दक्षिण में पांडवों ने भी साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण किया था। फलतः दक्षिण भारत में प्रभुसत्ता की स्थापना के लिए उपयुक्त राज्यों में पारस्परिक संघर्षों की परिस्थिति उद्भूत हो चुकी थी तथा पल्लव साम्राज्य का भविष्य उसके योग्य शासकों की क्षमता एवं योग्यता पर आधारित था। महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में हम कुछ इतिहास आगे पढ़ेंगे। तो यह पल्लवकालीन जो शुरुआती शासक थे शिव स्कंद वर्मा, सिंह विष्णु, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें।